हेलो रिवम, आज मैं बनाने वाली हूँ पोहा। तो पोहा के लिए देखिए क्या चाहिए। ये हमने ले लिया है पोहा, जो 2 कटोरी है, और 1 चम्मच ये शक्कर, और आधा चम्मच नमक, एक हरी मिर्ची, 1/4 चम्मच हल्दी है, राई है 1/4 चम्मच, और ये सिंग दाना, मूंगफली का दाना, और ये है नींबू का फूल। नींबू का फूल आप डालिए या फिर आधा नींबू, तो हमने नींबू का फूल लिया है। और ये कड़ी पत्ता। तो सबसे पहले देखिए, ये पोहे को हमको धोना है। इसको धो करके फौरन पानी से इसको निकाल लेना है। इसको मैं पहले छान लूं। पूरा पानी एकदम से छान के निकाल देना है। हमने पानी से बिल्कुल छान के इसको निकाल दिया है। अब इसको हमें बस 2 मिनट के लिए रखना है। इसको रखे हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हमने एक कढ़ाई रख दिया है, गैस जला के कढ़ाई रख दिया, तेल डाल दिया उसमें, जब तक हमारा तेल गर्म हो। ये तेल गर्म हो गया, मैं इसमें सिंगदाना को तल लूंगी। ये हमारा देखिए सिंगदाना तला गया है, इसको मैं बाहर निकाल लूंगी। गरम तेल में अब मैं डाल रही हूँ राई, तो 5 से 6 कड़ी पत्ता, इसको मैं छोटा छोटा टुकड़ा ऐसा काट के डाल दूंगी। राई चटकने लगी है, अब इसमें मैं डालूंगी हल्दी। हल्दी के साथ ये हरी मिर्ची है एक, और ये शक्कर, और ये साथ में डाल दूंगी मैं पोहा। इसको बराबर ऐसे चलाते रहना है। इसमें साथ में मैं डाल दूंगी नमक, और ये नींबू का फूल, या फिर आप नींबू भी डाल सकते हैं इसमें, दोनों में से जो आपको सही लगे। ये हमारा पोहा अच्छे से तैयार हो गया है। मैं इसमें सिंगदाना डाल के चला दूंगी, मिक्स कर दूंगी। ये देखिए हमारा पोहा तैयार हो गया है। मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी। ये देखिए हमारा पोहा तैयार हो गया है, और तैयार होने के बाद बिल्कुल खिला खिला, एकदम सिंगल सिंगल सा है, बिल्कुल भी चिपका नहीं है, क्योंकि पानी में हमने बहुत कम टाइम भिगाया था पोहे को। और इसी तरह से बहुत ही कम टाइम के लिए पानी में रखें, नहीं तो चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद वो आटा जैसा हो जाएगा। तो अब इसको हम ऊपर से कोथमीर डाल देंगे, और एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। देखिए खिला खिला पोहा तैयार हो गया है। बनाना बहुत इजी है, और ये फट से बन भी जाता है 5 मिनट के अंदर। इसी तरह से बनाइए, और पसंद आए तो इसको लाइक करिए।